हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश चौहान। तो आपका चैनल में स्वागत है। देखो, हिमाचल में गेहूं का टाइम चला हुआ है, जहां पे ये गेहूं आपको दिख रही है, किसान कैसे गेहूं काट रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे खेतों में, यहां से हमारे बहुत गांव के सीनियर पर्सन भी देखो कैसे लगे हुए हैं, और साथ में अपने गाँव घर की पूरी। तो इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि घर में कोरोना वायरस की वजह से मैन पावर ज़्यादा है, पर ये जो आसमान आप देख रहे हैं कि भगवान की जो कृपा है, वो थोड़ी देर बाद बारिश होने के कितने ये है। तो एक साइड वो इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी साइड देखो ये हम। हेलो गाइस, तो ये हमारे गांव से बहुत ही एक्सपीरियंस है, इनसे जरा हम पूछते हैं कि क्या कंडीशन है आज इस बार गेहूं की। हाँ जी ताई जी, बरखा हुआ दीके कर ना गई है बढ़ने कारण को। अच्छा, बारिश की परेशानी हो रही है आपको? आपको हुआ दी परेशानी हुआ दी। गेहूं खराब नहीं हो रही है आपकी बारिश की वजह से? हुआ दी बुरे हाल है, मतलब काला ब्लैक रंग हो गया इसका, ऐसे लग रहा है आपको। आपको दिख रहा होगा कि गेहूं जो है थोड़ी बरसात में, जैसे अगर ये यहाँ खेतों में लगी है तो भी इसका रंग ब्लैक हो गया, खराब हो गई, और नीचे है तो उसको उठाने में प्रॉब्लम आ रही है। ये आजकल छुट्टी आए हुए हैं जलंधर में, जैसे जॉब करते हैं हमारे भाईजान जी, जो कि कोरोना वायरस की वजह से पहली बार खेती में फंस गए हैं, तो जरा इनकी राय पूछते हैं। तो जी हाँ जी, कोरोना की वजह से कणक काटने पड़ रही है मेरे को, इससे मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तो ये भाई जी थोड़े परेशान है, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसे वहाँ पे अपनी जॉब में बिजी थे, तो यहाँ पे कुछ जूनियर पर्सन भी लगे हुए हैं जो कि पहली बार गेहूं काट रहे हैं। इनको देखो कैसे इसको काट के बांधने का प्रकार, इनको पता नहीं लग रहा बांधते कैसे है। नहीं पता है जी। हाँ, ढंग से आप कैसे देखो कैसे इसको इकट्ठा करेंगे। ये आपको दिखा रहे हैं, पर इनको एक्चुअली मैं प्रॉपर रूल पता नहीं है। जो ये जो इसको गेहूं का छिल्ला होता है, ये ऊपर की तरफ को होता है, तो अभी आपको थोड़ी थोड़ी सीखने की जरूरत है। ये हमारे भाई जी हैं, देखो वाला खेती जैसे बारिश की वजह से ये गिर गई है, तो उसको कैसे मुश्किल हो रही है इनको काटने। इनकी ड्राटी दिखाना वाला, ये कैसी है कुछ अजीब सी, ये कहीं पंजाब से मंगवाई लग रही है। देखो वाला डाटी देखो कैसी खतरनाक जैसी लग रही है, आरी की तरह ये। हाँ जी भाई जी, आपका क्या विचारधारा है इस बार की जो बारिश हो रही है और बीमारी के कारण क्या क्या पोजीशन हो रही है? हाँ जी, पूरी नीचे गिर गई है, फूल और बुरा हाल खेतों में, गेहूं सड़ने के कदार पर है, क्या करें इसका मतलब? इनका कहने का मतलब है गेहूं जो गिर गए तो किसान जो इस बार फसल का बर्बाद होने की थोड़ी है, तो इस बार अब आपको देखो भगवान की माया, बीच में थोड़ी धूप निकाल दे रहा, कभी बादल हो जा रहे हैं, तो जिससे कि काफी परेशानी हो रही है। वहां भी थोड़ा देखो दूर दूर कैसे लोग लगे हुए हैं, साथ में कई तरपाल से, तो ये सिचुएशन है इस बार गेहूं की। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एक हमारे पास स्टूडेंट है जो कि जलंधर में स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भी आजकल यहाँ पे गेहूं काट रहे हैं। हाँ जी अकरी जी, बताइए कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ? नहीं, मुझे तो बस पढ़ाई की प्रॉब्लम हो रही है, पर बाकी मुझे गेहूं काटने में मजा एंजॉय हो रहा है, एंजॉय आ रही है, और वैसे मजा भी लग रहा है कि थोड़ा पहाड़ी कल्चर में। देखो जी, एक तो इनको एंजॉय कर रहे हैं कि कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है, और साथ में थोड़ा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो ये तो पूरे देश में, पर ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ आजकल एजुकेशन, तो मेरे चैनल के साथ बने रहना। ये कैसे गेहूं देखो हाल तो देखो कैसी गिर गई है, तो इसको कैसे करके एक एक करके उठा रहे हैं इसको, तो ये आपको ऐसा दिख रहा है कि कैसे गेहूं का काम हो रहा है। ये हमारे एक्स आर्मी से हमारे चाचू जी हैं, जो थोड़ा बहुत अपनी राय रखेंगे। बारिश बहुत आ रही है, इसलिए मैं अपने गेहूं को तिरपाल से ढककर अभी बावड़ी में पानी लेने के लिए जा रहा हूं। तो देखो जो आसमान से जैसे मौसम खराब हो रहा है, तो ये कुछ परेशानी है बार बार आ रही है, कि कई बार बारिश कभी तरपाल से ढक रहे हैं, कभी उठा रहे हैं, कभी सूखने डाल रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये ऐसी प्रॉब्लम है। अरे चाचू जी हैं जो कि गेहूं काट रहे हैं, आपको पता है कि ये लॉकडाउन की वजह से अपना बिजनेस शॉप वगैरह करते हैं, तो आजकल गेहूं काट रहे हैं, तो इनकी थोड़ी विचारधारा पूछ लेते हैं। हमारी विचारधारा ये है कि हम जो है बिजनेसमैन आदमी है, और लॉकडाउन की वजह से हम जो है गेहूं वगैरह अपनी इकट्ठी कर रहे हैं, पर बारिश से कुछ परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। ते जो आसमान थोड़ी देर बाद रंग बदल दे रहा है, कभी धूप कभी छांव, इसका क्या चक्कर है? तो उससे आपको बड़ी परेशानी हो रही है।
ये हमारे भाई साहब हैं, भाई साहब जी हैं, तो ये थोड़ी आर्मी की ड्रेस में है। तो आपने को गेहूं को ढक के भी रखा कहीं? हाँ जी, हाँ जी रखा है। तो बारिश से बड़ी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी सर, चीजी भी लगे हुए, देखो आपको बता रहे हैं कि कैसे गेहूं काटते हैं, और ये साथ में आपको बता रहे हैं कि इसको कोड़ी बोलते हैं, कैसे बांधते हैं और इसको कैसे सीक्वेंस वाइज कैसे रखते हैं सूखने के लिए। हाँ जी बोलो जी ताई जी। बारिश से बहुत परेशान है। अच्छा, मतलब आसमान में मौसम, एक तो कोरोना वायरस का खतरा और दूसरा ये बारिश बहुत तंग कर रही है। बारिश, और ये ऐसे लग रहा है कि कुछ गीली है अभी तक बिल्कुल ही। बहुत गीली है। ये दिख रहा होगा आपको कि जैसे ये बिल्कुल सूख जाती है तो इसके टुकड़े होते हैं, पर ये देखो आपको लग रहा है कि हाँ जी हाँ जी, ये देखो रस्सी की तरह बन गई है। हाँ जी, धूप नहीं हो रही है ना, धूप के बिना। अब देखो मतलब मौसम ने फिर से रंग बदल दिया, थोड़ी धूप में धूप आ गई, तो अभी आपके सामने देखते देखते ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो है किसान को झेलनी पड़ रही है। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।